तो देखिए ध्यान से, तो हमने यहाँ इस फॉर्म के ऊपर सेव बटन पे क्लिक करते हैं, डेटा को डालना है, राइट। रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लूंगा कि सिम आर एज ए लॉ, ठीक है, और आप यहाँ पे आर इक्वल टू रेंज ए 65,000, नहीं आर आर एज ए लॉन्ग नहीं, आर एज ए हम कर देते हैं आर एज ए रेंज, और रेंज में हम यहाँ पे सेट करते हैं कि सेट आर इक्वल टू रेंज ए 65,000 डॉट एन एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0, ठीक है, और किस सीट का, तो डेटा शीट का। तो यहां पे सीट्स सीट्स और शीट्स के अंदर हमने डाल दिया डेटा और डॉट। अब हम बात करते हैं आईडी, जो हमारा आईडी है उसको पेस्ट करना है, तो आर डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी, तो आईडी हो जाएगा मी डॉट टेक्स बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब यहां एक मिनट डबल स्क्रीन करता हूं, यूनिफॉर्म 8 और यहां पे डेटा, क्या आईडी आ गए। अब यहां पे डेट डालना है, तो यहां पे सेम आर डॉट ऑफसेट 0 रो एंड 1 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, फिर आर डॉट ऑफसेट 0,2 कॉलम 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, फिर सेम आर डॉट ऑफसेट 0,3 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू। तो ये हमारा क्या हुआ कि हमने इसमें डाल दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 था, ये डेट हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 था, नेम 3 था और मोबाइल 4 था। इसके बाद आता है कोर्स, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये है कॉम्बो बॉक्स, ओके। तो चलिए इसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा आर डॉट ऑफसेट, और यहां पे हमने कर दिया 0 रो एंड 4 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम। अब टाइम क्या है, यूजर फॉर्म में आते हैं, तो टाइम स्लॉट, तो टाइम स्लॉट क्या है, लिस्ट बॉक्स है, तो इसके अंदर भी हम सेम कोडिंग करेंगे और सब आगे बढ़ा कर देते हैं। तो टाइम स्लॉट भी हमारा लिस्ट बॉक्स है, इस पे आते हैं, फिर यहां पर करते हैं आर डॉट ऑफसेट 0,5 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब टाइम के बाद आता है डेज, तो डेज क्या है, तो डेज है हमारा ए रेडियो बटन। रेडियो बटन कौन सा है, रेडियो बटन ऑप्शन बटन 1 एंड ऑप्शन बटन 2, ठीक है। अब यहां पे हमें इफ कंडीशन लगाना हो, तो यहां पे हम एक वेरिएबल लेते हैं कि डीन, डी एज ए स्ट्रिंग, और यहां पे लिखते हैं कि यहां पे कि इफ मी डॉट ऑप्शन बटन 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू देन डी इक्वल टू मी डॉट ऑप्शन बटन 1 डॉट कैप्शन। फिर यहीं पे हमें एल्स इफ लगाना होगा कि मी
डॉट ऑप्शन बटन टू डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, देन दी इक्वल टू मी डॉट ऑप्शन बटन टू डॉट कैप्शन, और यहां पे आप एंड इफ कर दीजिए। फिर आर डॉट ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर में हम यहां पे कर देंगे 0.6 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम दे देंगे डी, और फिर डी इक्वल टू कर देंगे ब्लैंक, ठीक है ना, क्योंकि अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ चला जाएगा, इसे ब्लैंक कर देते हैं। सेम ऐसे ही डेज के बाद हमारा आता है मोड। अब मोड क्या है, मोड हमारा चेक बॉक्स है, मतलब कि इसमें कई सारी चीजें हो सकती है, तो ये हमारा चेक बॉक्स है। तो इसके लिए कोडिंग क्या करेंगे, तो यहां पे डिम एम एज ए हम यहां पे स्ट्रिंग करते हैं, और यहां कंडीशन होगा कि इफ, अब यहां पे अलग अलग होगा ठीक है सर, इफ मी डॉट चेक बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, ट्रू देन एम इक्वल टू मी डॉट चेक बॉक्स वन डॉट कैप्शन, या कुछ और देना चाहते दे सकते हैं यहां पे एंड इफ। अब इसी को हम यहां पे कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे और यहां एम के साथ कंबाइन करेंगे, और यहां पे वन के जगह पे हो जाएगा टू, यहां भी हो जाएगा हमारा टू। हो रहा है बेटा, चलिए और कैप्शन ये क्या करता कैप्शन है। क्या करता है, कैप्शन जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना ये, इसको लेता है, इसको कैप्शन करते हैं, करते हैं यहां पे चेंज, नहीं देखा था आपने मैं कैप्शन किया था यहां पे, ठीक है ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, ये आ जाएगा। और यहां पे क्या था, दो था या तीन था, दो था, यहां पे चेक बॉक्स वन एंड टू, तीसरा नहीं करता, तीसरा है मीडियम, और मीडियम जो है हमारा वो है आपका ऑप्शन बटन थ्री एंड फोर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाली वैल्यू जो लिया था वो सेम लेंगे, और यहां पे अच्छा यहां पे हमने वैल्यू तो डाला ही नहीं, तो यहां पे हो जाएगा हमारा आर डॉट ऑफसेट 0.7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम, और फिर एम को कर देंगे ब्लैंक, ठीक है, एम को क्या कर देंगे ब्लैंक। अब यहां पे ऑप्शन बटन थ्री, यहां पे ऑप्शन बटन थ्री, यहां पे ऑप्शन बटन फोर, यहां पे ऑप्शन बटन ऑल्सो फोर, फिर आर डॉट ऑफसेट 0.8 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डी, फिर डी को कर देंगे ब्लैक। अब इस पे एक बार रन करके हम डेटा डलवाते हैं, ठीक है, तो यहां पे नेम पूजा है, मोबाइल नंबर हम अपना डाल देते हैं, ये पूजा का नंबर नहीं है, मेरा नंबर है, हम ऑनलाइन और वीडियोस दोनों ले लेते हैं, एसएस लेते हैं, और यहां से इंग्लिश लेते हैं, और सब्जेक्ट हमने ये चूज कर लिया, देन सेव। हाँ यहाँ मीडियम गड़बड़ आ गया ना, मीडियम में हमें यहाँ जे पे डालना था, ये गड़बड़ हो गई है, तो हम एक बार देखते हैं क्या क्या सही डाला है, मोबाइल नंबर सही दे रहा, कोर्स कोर्स में यहाँ डेट आ गया, कुछ गड़बड़ है सर, एक बार देखते हैं क्या क्या गड़बड़ है,
वन में हमने टेक्स्ट वॉज टू की वैल्यू डाली, थ्री की डाली, फोर की डाली। ओ वाह, फोर फोर तक सही है। सिटी हमारा आ गया कोर्स। हाँ कोर्स के लिए कुछ नहीं डाला, कोर्स चेक बॉक्स था ना हमारा, कॉम्बो बॉक्स वन। तो ये हमारा कोर्स में डेट क्यों आया? और हाँ आई फाइल थिंक में सर लिस्ट सिटी में सिटी गलत आ इसीलिए रहा है, नहीं आ रहा है सिटी क्योंकि, हाँ सिटी गलत है ना, वो ना ये आपका कॉम्बो बॉक्स है ना, तो ये होता है 1 2 3 4, 5 में सिटी है। ओके यहाँ यहाँ पे ई गवर है यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा लिस्ट बॉक्स वन पे। यहाँ आर डॉट वैल्यू ऑफसेट में वन, वन हो जाता है हमारा डेट के लिए, टू हो जाता है हमारा नेम के लिए, थ्री हो जाता है हमारा मोबाइल नंबर के लिए, एंड फोर हो जाता है हमारा सिटी के लिए जो कि कॉम्बो बॉक्स वन है। कॉम्बो बॉक्स वन में की वैल्यू, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ओके हाँ हमने यहाँ सिटी के लिए तो जनरेट ही नहीं किया था, समझे, सिटी का कुछ सिस्टम है ही नहीं, तो सिटी यहाँ से रिमूव कर रहे थे, समझे सर, ये गलती कहाँ थी। और रन करते हो वापस, यहाँ पे डालते हैं पूजा, मोबाइल नंबर 8805793888। हेलो यस, एंड हमने टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया एंड सेव। अब ये हाँ टाइम स्लॉट में 11 अक्टूबर दिखा रहा है क्योंकि टाइम ले रहा है, समझ आया ना, कि गड़बड़ हो गए, अगर मैं डैश लगाया हुआ ना इसलिए। तो इसको हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके इसको कर देते हैं टैक्स, तब नहीं लेगा, तब वो तब जो यहाँ पे जब टाइप करेंगे 11-12 तो 11-12 ही दिखाएगा, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है। सही से बैठो, काम करते हो सही से, समझे, कोई डाउट इसमें सर? नहीं सर। नहीं सर, चलिए तो इसी के तर्ज पे आप बनाइए फाइल, दोबारा भेज देता हूं और मुझे कंप्लीट करके दीजिए सर। और सर ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि अब आपकी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि कोडिंग भी सिखा रहा था, सिखा चुका हूँ, काम आपको करना है, इस तरह से गैप करेंगे तो दिक्कत हो